दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नान खटाई रेसिपी। इस वीडियो में हम नान खटाई रेसिपी विदाउट अवन और नान खटाई रेसिपी इन अवन दोनों कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मैं निष्ठा, स्वागत है आपका फूडीबिटी चैनल में। बिना अवन के नान खटाई बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पुरानी कढ़ाई लेंगे। इसमें हम आधा किलो नमक डालेंगे। इस तरह के एक स्टैंड को इसमें रख देंगे। ढक्कन ढकने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब हम आधा कप घी या बटर लेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। इसमें जाएगी आधा कप पिसी हुई चीनी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। मिक्स होकर ये मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून इलायची पाउडर। दोनों को लगभग 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। एक तिहाई कप बेसन, 1 टेबलस्पून सूजी। सभी को थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें। डो ज्यादा सॉफ्ट या ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम एक मेजरिंग स्पून लेंगे, जिससे सारी नान खटाई सेम साइज की बने। एक चम्मच डो को लेकर इसे गोलाकार देंगे। हथेली से हल्का सा प्रेस करके इसे रख देंगे। दोस्तों छोटी रेसिपी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम सारी नान खटाई बनाकर रख लेंगे। अब एक चाकू की मदद से इस पर क्रॉस का सिंबल बनाएंगे। आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं। अब इस पर हम पिस्ता चिपकाएंगे। आप चाहें तो बादाम भी चिपका सकते हैं। अब एक स्टील की प्लेट लेंगे। इस पर घी या बटर अप्लाई करेंगे। प्लेट में जितनी नान खटाई आ सकती है उतनी रख देंगे। कढ़ाई को गर्म होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर नान खटाई की प्लेट को सावधानी से रख देंगे। ढक्कन बंद करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप बीच बीच में इसे चेक करते रहें। अवन में बेक करने के लिए अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। फिर इसे लगभग 10 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। अवन में बेक करते समय आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें, वरना ये जल भी सकती हैं। 10 मिनट बाद हम कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे। नान खटाई बनकर तैयार है। आप इन्हें सावधानी से निकालें। ठंडा करने के बाद आप चाहें तो इन्हें एयर टाइट जार में 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।